यार मुझे एक बात बता, कौन सी कंपनी को ऑर्डर मिला है फ्लैग बनाने का, कौन पैसे कमाएगा? शेर रस कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। चाइना से तिरंगा बनके आएगा और हम सब खरीद के लाएंगे, चाइना से तिरंगा बनके आएगा और हम सब खरीद के लाएंगे, तब जाके हम देशभक्त कहलाएंगे। लोकी डीपी चेंज कर करके प्यार जता रहे, रोमांटिक हो रहे देश वास्ते, पर मैं नहीं डीपी चेंज करनी क्योंकि मुच्छा वाले भी ताने रोमांटिक हो सकते, पर डीपी चेंज करके प्यार जताऊंगे नहीं। यूक्रेन सीरिया की लड़ाई चली तब उनकी डीपी लगा सकते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर की बात चली तब ब्लैक डीपी लगा सकते हैं, पर अब मोदी जी ने कहा डीपी चेंज करने को तो ना 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 ना, ना अब नहीं करेंगे। भाई साहब पता तो अब चलेगा कौन कौन देशभक्त है और कौन कौन से सांप पाल रखे थे हमने। इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस, हो सकता है जिसे हम डीपी की वजह से जज कर रहे हैं वही सबसे बड़ा देशभक्त हो। यार मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई देशभक्ति नहीं है, सिर्फ वोटर चेक है देखने के लिए कि कितने लोग बिना सोचे समझे हमारे पीछे आते हैं। मुझे डीपी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता मेरी डीपी लगी देख के कोई पार्टी अपनी वोट काउंट कर ले जबकि मैंने उनको अपनी वोट डाली नहीं है। धोखा नहीं देना। Served in army for whole life. Paid taxes from my salary. Paid taxes for each and everything, for toll, for fuel, for everything. But मुझे आज पता चला कि देशभक्ति फौज में होने से नहीं, टैक्सेस भरने से नहीं, पर डीपी चेंज करने से आती है।